खबर इस वक्त मिल रही है जबलपुर से। पुलिस का रुपए लेते वीडियो वायरल हुआ है। एसपी ने आरक्षक देवेंद्र जाट को निलंबित किया है। आरक्षक पर वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगा है। पाटन एसडीओपी पाठक वीडियो में रुपए लेते कैद हुए हैं। अवैध रेत खनन और परिवहन करने वालों से रुपए लिए गए थे, जिसका वीडियो बनाया गया और इसे वायरल किया गया, जिस पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। आरक्षक पर गाज गिरी है। अभिषेक जुड़ गया हमारे साथ। अभिषेक, क्या है पूरा मामला? जबलपुर पुलिस और जिला प्रशासन के पास शिकायत आ रही थी कि जो अवैध उत्खनन करता है वह सक्रिय और लगातार जो है अवैध उत्खनन कर रहे हैं रेत का। और इसी दौरान एक सोशल मीडिया में लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाटन एसडीओपी एसएन पाठक जो है वह रिश्वत ले रहे हैं जो अवैध उत्खनन करता है, उससे उसकी गाड़ी ना पकड़े, उसको आने जाने की छूट देने के लिए उससे रिश्वत ले रहे थे। और जो ये रिश्वत का वीडियो जो है एसएन पाठक एसडीओपी है उनके गार्ड ने ये बनाया था, उसको सजा के तौर पे इनाम देना था, लेकिन सजा के तौर पे एसपी ने उसको निलंबित कर दिया है आरक्षक को, और कहा गया है कि तुमने कदाचरण किया है। जबकि इस वीडियो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि अधिकारी पैसे ले रहे हैं अवैध उत्खननकर्ताओं से, और उन्हें छूट दे रहे हैं कि वह अवैध उत्खनन कर जो है गाड़ी अपनी बेखौफ आकर लाने ले जाने का काम कर सकते हैं। तो इसमें पुलिस अधिकारियों की बड़ी चूक सामने आई है, क्योंकि जिस आरक्षक को इनाम देना चाहिए था, जो जिसने ये पूरे मामले की परत खोली थी, उसको सजा देकर उसे निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया गया है, और इस मामले की जांच जो है एडिशनल एसपी संजीव उइके हैं उनको सौंपी गई है। चलिए, शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षक पर वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप है, जिस पर अब गाज गिरी है। पाटन एसडीओपी पाठक वीडियो में रुपए लेते नजर आ रहे हैं।